एवरीवन, दिस इज एबिगेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीधे मौत ने फाइनली अपनी मिक्स टेप रिलीज कर दी है एंड इस मिक्स टेप में कुल 30 सॉन्ग्स है एंड बहुत से फीचर्स है। तो इस मिक्स टेप का रिव्यू भी मैं जरूर दूंगी और थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए क्योंकि ऑब्वियसली इस मिक्स टेप में 30 सॉन्ग्स है एंड ईच सॉन्ग को स्टडी करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि आप एक गाने को जब दूसरी बार सुनते हो तो आपका ओपिनियन कुछ और ही होता है। सो प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मिक्स टेप के सबसे हाइप्ड अप सॉन्ग के बारे में। वेल, आप लोगों को पता लग ही गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट सीधे मौत फीचरिंग कृष्णा खत्ता फ्लो। तो इस गाने की स्पेशली बहुत हाइप बन रखी थी क्योंकि कृष्णा के फैंस तो बहुत दिनों से कृष्णा के गाने का ड्रॉप होने का इंतजार कर रहे थे। इवन आई एम वन ऑफ देम एंड सीधे मौत के बिना तो क्या ही जीवन है। तो आज मैं करने वाली हूँ इस गाने का ब्रेक डाउन एंड बहुत लोग ये बोल रहे थे दैट कृष्णा लिटरली ओवरशैडोड सीधे मौत इन दिस सॉन्ग। तो इस बारे में भी मैं लास्ट में जरूर बताऊंगी दैट डिड रियली कृष्णा ओवरशैडोड सीधे मौत इन दिस सॉन्ग। एंड ऑल्सो ब्रेक डाउन स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज ऐड कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो ऑनकोर और काम का वर्स है उसमें इतना ज्यादा ब्रेक डाउन करने लायक कुछ है नहीं उनके वर्स में। हाँ, कुछ कुछ जगह जहाँ मुझे लगा कि ब्रेक डाउन करना जरूरी है मैं उन्हीं लाइंस के बारे में ही यहाँ पे बात करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाजीपुर का खट्टा मेरी पहचान मुझे तेरे जंगल का शेर। खट्टा मींस गन एंड गाजीपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है एंड यू गाइज नो अबाउट द गन कल्चर ऑफ यूपी। एंड उसके बाद ऑनकोर ने कहा है तेरे जंगल का मैं शेर खान। So he is saying that I am the tiger of this rap game and don't mess with me cause when it comes to rap I am a gun who keeps on firing. खान जहर काम करूं ना लू किसी का भी एहसान बाप बने मेरा तेरी माया पे। वेरी सिंपल बार्स, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो बेसिकली दिस इज द हुक पार्ट ऑफ द सॉन्ग एंड इसके बाद आता है ऑनकोर का वर्स। किंग साइज डबल बेड ईस्ट साइड ट्रबल है बेस और ट्रबल है हथियार। किंग साइज डबल बेड ईस्ट साइड ट्रबल है बेस और ट्रबल है हथियार एफएल है। सो यहाँ पे एक वर्ड प्ले किया गया है अगर आपने देखा होगा, ट्रबल और ट्रबल। ट्रबल का मतलब आप लोगों को पता ही है एंड जो ट्रबल है उसका मतलब है मेकिंग समथिंग 3 times बिगर। उसके बाद उन्होंने कहा हथियार एफएल है। सो ऑब्वियसली यू गाइज नो अबाउट एफएल स्टूडियो एंड आप लोगों को पता ही होगा कि एफएल स्टूडियो एक आर्टिस्ट के लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसी डिजिटल ऑडियो सॉफ्टवेयर से हम लोग अपना गाना बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। सो ऑनकोर इज बेसिकली सेइंग दैट ही यूजेस एफएल स्टूडियो एज हिज वेपन। तो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट एक्स इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद कैफ जो कि अपने फील्डिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। एंड इसके बाद कुछ बार्स आते हैं जो कि काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। एंड उसके बाद एक बार आता है जहाँ पे ऑनकोर बोलते हैं। सो अगर आपने मैट्रिक्स मूवी सीरीज देखी है तो आप लोगों को पता ही होगा कि नियो कौन है। He is the one human who has the power to manipulate the Matrix, and that's why Encore said, "I am the one," जैसे नियो। एंड उसके बाद कुछ और बार्स है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन देम। एंड उसके बाद ऑनकोर का वर्स एंड हो जाता है एंड इस गाने का हुक स्टार्ट हो जाता है एंड हुक के बाद आता है काम का वर्स। तो काम के जो स्टार्टिंग के बार्स है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। लेकिन उसके बाद एक लाइन आता है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और जिन लोगों को पता नहीं, बटर पेन एक बहुत ही स्पेशल किस्म का पेन होता है जो कि बनता है एक स्पेशली फॉर्मुलेटेड इंक से दैट मेक द राइटिंग एक्सपीरियंस सिंपल और स्मूथ। सो काम इज बेसिकली सेइंग जब वो लिखने बैठते हैं तब वो लिखते ही चले जाते हैं स्मूथली, रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे उन्होंने बोला सीधे मौत शिपुदन। तो नारुतो सीरीज जिन लोगों ने भी देख के रखा है उन लोगों को पता ही होगा कि इसका रेफरेंस कहाँ से आया है। नारुतो का जो सेकंड पार्ट रिलीज हुआ था उसको नारुतो शिपुदन बोल के रिलीज किया गया था। एंड इस मिक्स टेप का पोस्टर भी जापानीज एनिमे सीरीज से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, सो रेफरेंस तो होना ही था। तो इस लाइन के दो मतलब है। पहला, काम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीधे मौत के जो हेटर्स हैं उनको एक पल का चैन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सीधे मौत को हेट देने में ही बिजी है। एंड सेकेंडली, सुमो जोशी इज द नेम ऑफ सीधे मौत मैनेजर। सो काम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो इन दिनों इतने ज्यादा डील्स क्रैक कर रहे हैं जिस वजह से उनके मैनेजर को रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा है, यानी कि चैन ही नहीं मिल रहा है। जेट ली इज अ वेरी फेमस मार्शल आर्ट्स एक्टर एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे ये पता चली जब मैं इसको लेकर रिसर्च कर रही थी कि जेट ली वाज द हीरो हु रिजेक्टेड मैट्रिक्स सीरीज, या वही मैट्रिक्स सीरीज जिसका रेफरेंस ऑनकोर ने भी दिया है। एंड उसके बाद कुछ और बार्स आते हैं जो कि काफी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एंड अगेन आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन देम क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। एंड उसके बाद आता है द वन विच आई नो यू गाइज आर वेटिंग फॉर, कृष्णा का वर्स। So these two lines are very simple, you guys already got it. So कृष्णा अपने ऑप्स को बोल रहे हैं कि कैसे मैंने इनको हैरान छोड़ दिया, and as you guys know कृष्णा is from गुड़गांव, so there is a गुड़गांव reference here. गैर कानूनी करे काम बोले जय। So गैर कानूनी is a very famous movie reference, जिस मूवी में रजनीकांत भी है। So कृष्णा is basically saying कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब गैर कानूनी काम करते हैं एंड उसके बाद जाके भगवान का नाम ले लेते हैं। घूमे मेरे फैन हर जगह जैसे खेता, घूमे मेरे फैन हर जगह जैसे खैतान। तो इस लाइन के दो मतलब है। पहला, कृष्णा इज सेइंग दैट मेरे फैंस हर जगह है जो मुझे हर कदम पे सपोर्ट करते हैं। दूसरा मीनिंग ये है, खैतान बोल के एक कंपनी है जो कि फेमस है सीलिंग फैंस बनाने के लिए। पैर चांस मिला नहीं सहता गुना नहीं, ट्राई ना पुल स्ट्रिंग्स तू ना एहसान नूरानी। सो एहसान नूरानी इज अ वेरी फेमस बॉलीवुड कंपोजर एंड गिटारिस्ट। So now you got the reference where the strings and Ahsaan Noorani came from. So Krishna did a wordplay here of the last line which was Ahsaan Noorani and here Ahsaan Chukani, यानी कि एहसान का wordplay कर दिया है उन्होंने। देख बनी लहर तेरे भाई की सुना। तो सुनामी जब आती है तब बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती है एंड उस लहरों से बिल्डिंग्स या फिर जो भी प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है। So here Krishna is saying that he can literally destroy his all. Venom is a general computer programming language. So Krishna is basically saying कि जब वो रैप करते हैं that means he is spitting Venom and he is getting day by day better. I'm sorry competitor मेरे बेटे या गोहन। Son Gohan is a character from Dragon Ball Z. You guys already know it जिन्होंने Dragon Ball Z देखा है। So Krishna is basically saying जो उनके competitors हैं वो उनके बेटे जैसे हैं and वो बाप से क्या ही compete करेंगे। मैं उचित करना सेट करूँगी दो पे। So this is a sexual reference. I am not gonna explain it. आप जाके इसको Google पे check कर सकते हो। मेरा Vendetta भी better than most can. So Vendetta is a reference of an American movie which was released on 2022 and that movie was all about revenge. So Krishna भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि उनका revenge यही है that he can rap better than most of the rappers in the scene. दूसरे सवाल अब कर ले वकालत बंद। So these lines are quite easy. I don't need to explain it. You guys already got it. ना पकड़े bars हम ना भरते ज़मान। So bars, as you guys all know, is a rapping reference and bars here also means jail. Wick with a weapon but to kill him parable. John Wick is a movie series name and उसी movie का जो third chapter आया था उसका नाम था John Wick. So Krishna is basically saying that in the war of this rap game, I am a John Wick with a weapon. And he ends his verse here and इसके बाद इस गाने का hook आता है and the song ends. Now let's come into the question, did Krishna really overshadow Seedhe Maut in this song? Well, lyrics wise, delivery wise, definitely it's a yes. But when it comes to the versatility, I will say no. See, Krishna is known for his lyricality that everyone knows it. And Krishna का जो pattern of rapping है वो लगभग अभी सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। See, I'm a very big fan of Krishna and there is no doubt that he is one of the finest rappers of India. And I really expect from Krishna that he will give us something new right now क्योंकि ऐसा करते हुए हमने Krishna को बहुत देख लिया है। We know how much he is capable of and we know the amount of lyricality he can put in his songs. But right now, I really need Krishna to bring up something new to the table. And that's what I really appreciate about Seedhe Maut. इस mixtape में उन्होंने बहुत से नए sound create किए हैं, बहुत से नए styles try किए हैं, and that shows that they are trying to be versatile. And that is very, very important for an artist to grow. An artist should put variation in his work, and that's what I expect a lot from Krishna. I really want Krishna to bring up something new, a new sound or a new variation in his work. And since Krishna is known for his perfection, I am pretty sure that if he picks up something new, he's gonna kill it there also. And there is also a possibility that he might be coming up with a track very soon. And रही बात Seedhe Maut की mixtape की, then I would just say that this mixtape is one of the best mixtape in DHH. सो अगर आप इस मिक्स टेप का फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जाके बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत जल्द इस मिक्स टेप का फुल रिव्यू लाने वाली हूँ एंड दैट विल बी अ फुल डिटेल रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना एंड मेरे साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, यू कैन फॉलो मी अप देयर। मैं वहाँ भी हिप हॉप रिलेटेड कंटेंट डालती रहती हूँ। ऑलराइट देन गाइस, आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।